नमस्कार, पॉलिटिक्स फर्स्ट के खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शिव चौबे जी। और एक बड़ी जिम्मेदारी इस समय उनको सौंपी गई है, वो है शंकराचार्य जी की एक विशेष यात्रा मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही है। संभवतः 19 दिसंबर इसकी टेंटेटिव डेट रखी गई है। तो हम इसी यात्रा को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नर्मदा सेवा यात्रा और अब उसके बाद अब शंकराचार्य यात्रा। शिव चौबे जी, वजह क्या है इस प्रकार का आंदोलन देश में? जो है आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर आज तक केवल शंकराचार्य जी को इंगित करके मेरे ख्याल से आज तक इस देश में नहीं चला गया। ये मध्य प्रदेश ऐसी भूमि है जहाँ के जननायक शिवराज जी ने अपने दार्शनिक चिंतन के आधार पर, अद्वैतवाद के आधार पर जो उन्होंने मूल्यों का, हिंदू धर्म के मूल्यों की स्थापना की थी, उसको समाज तक पहुँचाना हमारा हम धर्म समझते हैं। इसलिए हमने जो है नर्मदा यात्रा के दौरान जो हमारे पूज्य स्थान थे उनमें से एक स्थान ओंकारेश्वर है, जहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की और तपस्या के बाद जो है उनको जो ज्ञान मिला और उस ज्ञान को लेकर पूरे जो है भारत का उन्होंने भ्रमण किया, बल्कि भारत नहीं भारत के बाद। मैं बीच में टोकना चाहूँगा, ये क्या वजह है कि खुलकर क्यों नहीं बताया जाता है? जब बीजेपी क्यों ऐसा हिचकती है कि ठीक है शंकराचार्य जी की हम यात्रा करें, हमारी आइडियोलॉजी में हिंदुत्व है, तो ये जब ये सवाल सीधे दागे जाते हैं तो क्यों बचने के लिए नहीं, हम तो इसलिए यात्रा कर रहे हैं और उसलिए यात्रा कर रहे हैं, क्यों ये झिझक रहती है? बिल्कुल हम कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए यात्रा, बिल्कुल इसमें हिचक नहीं है। और इसको संकीर्णता से जो है सोचना भी नहीं चाहिए लोगों को कि हम केवल हिंदू जागरण के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। अगर हमें कोई अच्छा काम दिखता है तो हम बाकी के धर्म और बाकी के संप्रदाय, बाकी के पंथ, इन सब के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। आज भोपाल में जो हज हाउस खुला है तो लोग इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? शिव चौबे जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जनता विकास के जो है आपसे रिपोर्ट कार्ड पूछेगी, तो अब वापस एक बार फिर हिंदुत्व की जो है विचारधारा को सामने रख दिया जाए? चुनाव तो जो है हम शिवराज जी के मुख्यमंत्री रहते हुए शायद ये चौथा चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन हमसे समाज ने ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे। समाज ने हमारी जो बात हमने कही है और हमारी जो कथनी और करनी है उसको समाज ने देखा है और उसमें सभी वर्ग आए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी दिग्विजय सिंह एक धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं, वो किसी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी से बच रहे हैं, उनकी यात्रा के बारे में आप क्या? राजनीतिक बयानबाजी से वो कतई नहीं बच रहे, जितना भी वो काम कर रहे हैं बिल्कुल जो है चुपचाप और साइलेंट रहकर केवल राजनीति कर रहे हैं। नर्मदा जी की जब कोई भी परिक्रमा करता है तो सामान्यतः वो जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं आता। और दूसरा ये है कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है तो धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए जो दाम्पत्य जीवन की जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या होनी चाहिए इन्हें मैं स्पष्ट तो नहीं कहूँगा, आप खुद समझने का प्रयास करें उसका वो कितना निर्वाह कर रहे हैं। उनकी यात्रा पूरी तरह से शिवराज जी की कहीं ना कहीं कॉपी करने की यहाँ पर वो प्रयास, कॉपी करने का प्रयास तो आदमी करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम परीक्षा देते हैं और कोई गधा लड़का पीछे बैठता है तो वो सामने वाले लड़के की सोचता है कि होशियार है, तो उसकी जब नकल करता है ना तो वो लिखता प्रश्न नंबर दो, तो वो भी लिख देता प्रश्न नंबर दो, लेकिन वो ये सोचता है इसने प्रश्न नंबर दो लिखा है तो काय के लिए लिखा है, मुझे उत्तर किसका लिखना है, ये पीछे वाले पता नहीं रहता गधे को। तो सामने वाला होशियार नहीं है या पीछे वाला गधा है? अब वो तो ये है कि समाज सब समाज ने सब आकलन कर लिया है कि कौन गधा है कौन होशियार है। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा तो नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी कॉपी पे कॉपी कर रहे हैं तो उनको इन्हीं यात्रा में उलझाने के लिए अब अगली यात्रा फिर से तैयार कर दी है? जब तक वो नर्मदा यात्रा पूरी करेंगे अपनी तब तक शंकराचार्य जी की यात्रा अपने सामने रख। नहीं नहीं, उनका अपना चिंतन हो सकता है, हमारा अपना चिंतन है, वो भी किसी आधार पर जो है सोच कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिव चौबे जी। तो पॉलिटिक्स फर्स्ट के इस खास एपिसोड में शिव चौबे जी ने बेहद खुलकर यहाँ पर अपने बिंदु रखे हैं। देखना यह होगा कि इन यात्राओं का परिणाम बीजेपी को क्या मिलता है और क्या मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक और सत्ता यात्रा करने का अवसर देती है। फिलहाल पॉलिटिक्स फर्स्ट में इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।